मोदी सरकार की बेरोजगार भारत योजना। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो कई स्कीम लेकर आए, लेकिन उनमें से किसी भी स्कीम ने ढंग से काम नहीं किया। हकीकत ये कि लोगों की प्लेट से खाना तक छीन लिया मोदी सरकार ने, देश को बर्बाद किया और पूरे देश का भट्टा बिठाकर रख दिया। मोदी सरकार लाखों लोगों की नौकरियां खा गई, लेकिन इन लोगों की आंखों में इस बात की जरा भी शर्म नहीं है। बेरोजगारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसका पूरा क्रेडिट भाजपा को जाता है। 2019 में अक्टूबर दिसंबर के महीने में बेरोजगारी दर 7.9% थी, लेकिन 2020 में अक्टूबर दिसंबर के महीने में वो बढ़कर 10.3% हो गई। एक साल में इतने लोगों को बेरोजगार करने का चमत्कार सिर्फ 18 घंटे काम करने वाले महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। जिस शहरी वर्ग को मोदी जी ने सबसे ज्यादा चूना लगाया है, उसी शहरी वर्ग को मोदी सरकार का सबसे ज्यादा प्रकोप झेलने को मिला है। बेरोजगारी दर आसमान से ऊपर छलांगे मार रही है और इसका कारण नाकारा मोदी सरकार है, जिसे ना अर्थव्यवस्था की समझ है और ना ही बाकी विषयों का ज्ञान। शहरी बेरोजगारी दर की बात करें तो ये जुलाई सितंबर 2019 के दौरान 8.4% थी, जो कि बढ़कर 2020 के जुलाई सितंबर के महीने में 13.2% हो गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार अपने बाकी बचे हुए कार्यकाल में देश की लुटिया पूरी तरह ना डुबो दे। अगर देश को बचाना है तो तय करो कि मोदी को भगाना है।